नमस्कार, चुनावी मंच में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं नेहा हबीब खान। आज प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने मैनिफेस्टो जारी किया है। मैनिफेस्टो में क्या कुछ खास होगा वो भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस कांग्रेस के द्वारा किया गया है वो है महिला और फिर यूथ, यानी यूथ को लेकर भर्ती विधान मैनिफेस्टो जारी किया गया। उस मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं, चाहे वो डॉक्टर की भर्ती हो या फिर शिक्षकों की भर्ती हो या तमाम चीज़ों को लेकर भर्ती यानी विधान भर्ती के नाम से मैनिफेस्टो कांग्रेस ने जारी किया है। आपको कांग्रेस का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखाएंगे जहाँ पर प्रियंका गांधी और वहीं राहुल गांधी अपनी बात भी रखते हुए नजर आए हैं कि किस तरीके से महिलाओं को और यूथ को संभालने की कोशिश की जाएगी। और ये 5 साल का हवाला दिया गया कि 5 साल के अंदर कम से कम 20 लाख युवाओं ने नौकरी यानी गवाया है, जिसकी वजह से वो परेशान है और इस वजह से इस बार अहम मुद्दा विधानसभा चुनाव में सिर्फ नौकरी और महिला ही देखा जा रहा। महिला सुरक्षा की भी बात करेंगे और वहां पर यूथ को लेकर भी बात करेंगे। हालांकि यूथ को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ चुकी है, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा हमेशा से यही कहती हुई नजर आई है कि कहीं ना कहीं इस बार जो है 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ा गया है और उस रिकॉर्ड को हम कहीं ना कहीं बराबर करने की तैयारी, मरम्मत करने की तैयारी में है, ताकि जो यूथ है, जो बेरोजगार है, उसको रोजगार दिया जाए। वॉल के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि क्या कुछ कहा गया है उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, उत्तर प्रदेश के डॉक्टर के लिए, महिलाओं के लिए, तमाम आशा के लिए और फिर आंगनबाड़ी के लिए, तमाम चीजों को नजर में रखते हुए मैनिफेस्टो में जो जारी किया है। वॉल के जरिए आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से सरसरी नजर से आप देखेंगे ग्राफिक्स के जरिए कि किस तरीके से आपके लिए तैयारियां की गई हैं। सबसे पहले ये कि प्राथमिक विद्यालयों में खाली 1.5 लाख खाली पद भरे जाएंगे, 8 लाख सरकारी पद महिलाओं के लिए, 20 लाख सरकारी नौकरियों की गारंटी दी गई है, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, पुलिस आदि विभागों में खाली पदों को भरा जाएगा, संस्कृत के शिक्षक, उर्दू के शिक्षक, आंगनबाड़ी, आशा आदि में खाली सभी पदों को भरा जाएगा, भर्ती प्रक्रिया में नौजवानों का जो भरोसा टूटा है उसे बहाल करने के लिए सभी परीक्षाओं के फॉर्म के लिए शुल्क माफ होंगे और बस ट्रेन यात्रा फ्री होगी, एक परीक्षा कैलेंडर जारी होगा जिसमें भर्ती विज्ञापन परीक्षा नियुक्ति की तारीखें दर्ज होंगी और इसका उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरक्षण के घोटाले को रोकने के हर भर्ती के लिए सामाजिक न्याय पर्यवेक्षक होंगे, शिक्षा बजट बढ़ाया जाएगा और सभी कॉलेज व विद्यालयों को अपग्रेड किया जाएगा, युवाओं के रोजगार के लिए नए अवसर प्रदान किए जाएंगे, महिलाओं और निषादों के लिए विश्व स्तरीय संस्थान बनाया जाएगा जिसमें उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा, अति पिछड़े समुदाय के युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 1% ब्याज की दर से कर्ज दिया जाएगा, प्रदेश की युवाओं को नशे के जाल से निकालने के लिए एक सेंटर खोला जाएगा जो युवाओं की काउंसलिंग करेगा, इसके अलावा सांस्कृतिक क्षेत्र में युवाओं को बढ़ावा भी दिया जाएगा। आपने ग्राफिक्स के जरिए देखा कि किस तरीके से पूरी जानकारी दी गई है और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है सटीक तौर पर महिलाओं को, सुरक्षा को लेकर और यूथ को मजबूत करने में कांग्रेस पार्टी लगी हुई है। फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए MMC News के साथ। नमस्कार।